मेरे साथ कुछ मालो असबाब था, रास्ते में डाकू ने मुझे लूट लिया, जो कुछ मेरे साथ था वो सब उन्हें छीन लिया और मुझे खाली छोड़ा। ये कहकर वो भी आज आके बैठ गया। अब इसमें एक मसला ये है कि उस जमाने में मक्का मुकर्रमा के अंदर और लोग भी मौजूद थे जो मक्के शरीफ के सरदार कहलाते थे, मसलन अबू जहल, उसको कहते थे सईद हादल वादी, ये इस वादी मक्का का सरदार है, वो भी मौजूद था, और भी बड़े बड़े लोग चौधरी किस्म के वहां मौजूद थे। लेकिन ये भूखा शख्स उनके पास नहीं गया, और ये अजनबी मुसाफिर जिसको रास्ते में लूटा गया था ये भी वहां नहीं गया। ये दोनों हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जहाज गए। उसकी वजह यह है कि आदमी तो उसी जगह जाता है जहां कोई उम्मीद नजर आती हो, उसी शख्स से मिलता है जिसके बारे में उसको ये उम्मीद हो कि मेरा दुख सुनकर ये कुछ मदावा करेगा, कुछ मेरी मदद करेगा। अगर मालूम है कि कोई शख्स सर्दिल है, चाहे वो कितना ही मालदार हो, उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाता। कुरान पाक में है कि अरब के बड़े बड़े मालदार जब उनके शहर में उनके दरवाजे पर कोई यतीम जाता था, वो धक्के मार मार के उसको अपने दरवाजे से और अपने शहर से बाहर निकालते थे। ये मजमून कुरान पाक में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन। क्या आपने देखा उस शख्स को जिसके सामने कयामत का तज़किरा किया जाता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, वो साफ इनकार करता है कि बिल्कुल गलत, मरने के बाद कौन जिंदा होगा? आज तक कितने लोग जिंदा हुए, कोई भी हमने नहीं देखा जिंदा होते हुए। दफन करते हुए तो हमने देखा, लेकिन जिंदा होते हुए हमने किसी को नहीं देखा आज तक। वो कयामत के दिन को झुठलाता है और क्या करता है, ये शख्स यतीम को धक्का देता है। यतीम जब उनके दरवाजे पर आता है कुछ खाना मांगने के लिए और किसी जरूरत के लिए, तो धक्का देकर उसको अपने घर से दूर कर देते हैं। तो ऐसी बात है, जो मालदार ऐसा हो कि यतीमों को और गरीबों को धक्का मार मार के अपने घर से और अपने शहर से बाहर निकालता हो, तो क्या कोई यतीम उसके दरवाजे पर जाएगा? वो तो भूखा मरना बेहतर करेगा, लेकिन ऐसे सर्दिल के दरवाजे पर नहीं जाएगा। यह अबू जहल का वाकया बयान है कुरान पाक में कि वो यतीमों को धक्के दे दे कर निकालता था। मालदार कितना था, किताबों में लिखा है कि उसके जो ऊंट थे अहले अरब ऊंटों को काबू करने के लिए उनके नथनों में कोई दायरा डालते थे, फिर उस दायरे के अंदर रस्सी बंद करते थे, रस्सी लगाते थे ताकि जरूरत के वक्त उसको काबू कर लिया जाए। अबू जहल के पास जब ऊंट थे तो ऊंट के नथनों में जो दायरे पड़े हुए थे वो लोहे के नहीं थे, वो और किसी चीज के नहीं, वो दायरे सोने के थे। तो अंदाजा लगाए जिसके ऊंटों के नथनों में सोने की बालियां पड़ी हों तो उसके घर में सोना कितना होगा, इतना बड़ा मालदार लेकिन संगदिल था। तो बहरहाल अबू जहल खुद जालिम भी कितना था। एक मरतबा एक बंजारा आया, बंजारा उसको कहते हैं कि जो शहरों में और गांव गांव जाता है अपने सामान लेकर, बड़ा काफिला भी होता था, उसको लादी कहते हैं उर्दू में, लादी। तो और वो जो काम करने वाले होते हैं कभी कभी इंफरादी तौर पर भी जाते हैं, उनको बंजारा कहते हैं। जैसे वो उर्दू का शहर है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, वो लादी चली जाएगी तो वहां कुछ भी नहीं रहता। तो बंजारा आया, अबू जहल ने उससे बहुत सारा सामान खरीदा, अपने घर में रखा, उससे कहा इंतजार कर लो। अब वो बेचारा इंतजार कर रहा है कि पैसे लेकर आएगा, वो पैसे लेकर नहीं आया।
आपने मुझसे पैसे मांगे, उसने साफ इनकार कर दिया। कैसे पैसे, कहां के पैसे, जाओ काम कर लो। अब एक के पास गया, दूसरे के पास गया कि यार मेरी मदद कर लो, ये कौन साहब है, इसने तो मेरा सारा सामान ले लिया, पैसे देने से इनकार करता है। हर्षा तो उसे यूं कहता था, खामोश हो जाओ, बात मत कर लो, हाजर सईदुल वादी, ये इस वादी मक्का का सरदार है, किसी की मजाल नहीं, इसके दरवाजे पर जाए और तकाजा करे। बड़ा नाउमीद हो गया। एक आदमी उससे कहा, देखो वो जो काबतुल्ला के पास में जवान खड़ा है, उसके पास जाओ, ये तुम्हारी बात सुनेगा। नियत उसका आदमी की अच्छी नहीं थी, उसका इरादा ये था कि ये जवान जरूर इसकी बात सुनेगा, इसके साथ आएगा अबू जहल के पास। इधर से अबू जहल के पास गया और उससे कहा कि मैंने इस तरह कार्रवाई की, एक बंजारा जो था वो मैंने भेजा किसके पास, रसूलुल्लाह के पास, वो जवान तो रसूलुल्लाह के, जब वो आपके दरवाजे पर आएगा तकाजा करने के लिए तो खूब डांट देना उनको और ऐसा कह देना। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। उसके बाद रसूलुल्लाह सब थोड़ी देर के बाद पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अबू जहल बहुत ही गुस्से की हालत में बाहर निकला, पता नहीं क्या क्या इरादा था उसका, आज ये करूंगा वो करूंगा। तो नबी करीम उसने फरमाया, क्या इस बंजारे से आपने सौदा खरीदा है? मुझे कहा खरीदा है, इसके पैसे क्यों देते? ये सुनते ही अबू जहल जो है घबरा गया, उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई, फौरन अंदर दाखिल होकर वहां से पैसे निकाल के उसके हवाले कर दिए। बारह बंजारा तो लेकर चला। इधर से वो और जो चौधरी किस्म के लोग थे वो आए अबू जहल के पास, तो अबू जहल आपने तो कोई कार्रवाई नहीं की और पैसे भी बंजारे को दे दिए, असल मकसद था कि आप गुस्ताखी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने कहा कि ऐसा ही इरादा किया था लेकिन इरादे में कामयाब नहीं हो सका। कहा क्यों? कहा जो ही मैंने इरादा किया कि जबान खोलूं, अचानक मैंने देखा एक देव शक्ल का कोई जानवर, देव की तरह मुंह खोले हुए है और मुझसे कह रहा है कि अगर तुमने गुस्ताखी की तो मैं तुझको चबा कर दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। तो अबू जहल घबरा गया, पैसे निकाल के दे दिए। खुद अंदाजा लगाओ जिस बस्ती के मालदार और चौधरी लोग इतने बेईमान हो और इतने जालिम हो तो उनके दरवाजों पर कौन जाए, कौन ही जाता था। इसे सारे बेचारे भूले पड़े और सारे फकारा और गुरबा और यतामा, ये सारे के सारे दौड़ के आते थे नबी की खिदमत। हम लोगों को अंदाजा नहीं है कि इस्लाम क्या अजीब गरीब दौलत है, क्या एहसान अल्लाह ने किया इंसानियत के ऊपर। जब अल्लाह को तरस आ गया इंसानियत के ऊपर, बिल्कुल जब भ्रम आ गया, तब जाके अल्लाह तबारक ताला ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा लोगों की तरफ, कहा जाओ तशरीफ ले जाओ और अब वहां जो है रहम को फैलाओ, इंसाफ को फैलाओ, नूर को फैलाओ, क्योंकि लोगों की शक्लें तो इंसानों जैसी हैं लेकिन दरिंदों से भी बदतर है। अपने बच्चों को जिंदा दफन करते हैं, लड़कियों को, और लूट खसूट तो इनके यहाँ बाएं हाथ के खेल है, कत्ल गारत करी में इनको मजा आता है और इतना मजा आता था कि जो तरफ तरफ के मजा था तो उसको देख देख के लोग हंसते रहते थे। ये बादशाहों के यहाँ भी था, बड़े जालिम बादशाह किसी को लाते थे अपने दरबार में तो नीचे बहुत बड़ा कोई चमड़े किस्म का कोई बिछाते थे ताकि खून इधर उधर न फैले, तो बादशाह के सामने नंगी तलवार से जल्ला जाता था और बतौर मशवरे के उसकी गर्दन काटते थे और बहुत देर तक बगैर गर्दन के बगैर सर के तड़पता रहता था, तड़पता रहता था जब तक जान निकले। तो वो लोग वाह वाह और हा हा करते थे और हंसते थे ठट्ठा मार मार के। ये हाल था दुनिया का। तो वाकई अल्लाह ने रहम फरमाया, रहम खाया और तरस खाया इंसानियत के ऊपर और जो भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तीन पेशन गोइयां फरमाई जिनकी तफसील इस वक्त तो नहीं, इजमाल अर्ज करता हूं। एक पेशन गोइया फरमाई, फरमाया कि ऐ अदी, एक वक्त आएगा तुम देखोगे एक औरत को, एक बूढ़ी खातून आएगी मकान हियारा से, इराक से, तन्हा अकेली आके बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, सिवाय अल्लाह के उसके दिल में और किसी का खौफ नहीं होगा। ये आपने फरमाया एक प्रश्न।
हजरत अली फरमाते हैं फौरन मेरे दिल में आ गया, फौरन मेरे दिल में आ गया हमारे कबीले के डकैत कहां जाएंगे, हमारे कबीले वाले डाकू कहां जाएंगे। इसलिए कि मकामी हेरा से आने वाला शख्स जब मक्का शरीफ आएगा तो हमारे कबीले के यहां से उसका रास्ता है, हमारे कबीले वाले डाकू कहां जाएंगे जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया है, ये मेरे दिल में बात आ गई। दूसरी पेशन को ये फरमाई कि एक वक्त आएगा ईरान का जो बादशाह है उसका लकब था किसरा, कहा कि वो किसरा उसके खजाने आप लोग अपने हाथों से खोलेंगे, चाबियां आपके हाथों में होंगी। तो मैं हैरान हो गया कौन किसरा, ईरान का बादशाह, ईरान का पुराना नाम फारिस था, फारिस का बादशाह, कहां फारिस और कहां सहाबे किराम की मुट्ठी पर जमात कि जिनके पाओ में घिसे हुए चप्पल हैं और उनके तलवार के अंदर नयाम भी नहीं, तलवार के ऊपर नयाम उसको कहते हैं जिसके अंदर वो नयाम जो तलवार रखी जाती है जिसको कवर कही है आजकल की जुबान में, और नयाम भी नहीं और इतना बड़ा सुपर पावर पूरे आलम में दो मुल्कों ने हुकूमत की थी, ताकत दो थे दुनिया में, एक रोम एक ईरान, ईरान का पुराना नाम फारिस, आधी दुनिया तक उनका दबदबा था और आधी दुनिया तक दूसरे का दबदबा था, इनकी लड़ाइयां आपस में होती थी, इनकी लड़ाइयों का तस्करा कुरान पाक में है, सूरत रोम पढ़ लीजिए उसके शुरू में इनकी लड़ाई का तस्करा है, अलिफ लाम मीम गुलिबत रोम बारह। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा कौन किसरा है, अल्लाह के नबी सब किसरा इब्न हुर्मुज, आपने फरमाया हाँ किसरा इब्न हुर्मुज और कौन। तीसरी आपने पेशन हुई फरमाई एक शख्स निकलेगा सुबह को अपने घर से, चांदी और सोने के सिक्के उसके हाथ में होंगे एक थैली में, और वो जाएगा फकीर को तलाश करने के लिए, दिन भर फकीर को तलाश करेगा, जब कोई न मिले तो शाम को वो थैली लेकर वापस आएगा, जिस शख्स को वो ये गरीब समझकर उसको देना चाहे वो साफ इनकार करेगा कि मैं मालदार हूं मेरे लिए ज़कात का खाना जायज नहीं है। ये क्या था, ये एक जवाब था उस फकीर को जिसने भूख की शिकायत की कि ये गुर्बत नहीं रहेगी दूर हो जाएगी, और जिसने डकैती की शिकायत की उसका जवाब ये था कि फलां मकाम से निकलेगी एक औरत और वह अकेली होगी, हज करके या उमरा करके वापस चली जाएगी। ये अलग मसला है कि औरत को बगैर महरम के सफर करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो अलग मसला शरी, ये तो पेशन हुई थी कैसा होगा। हजरत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला कि एक मौके पर मैंने देखा एक खातून आ रही है साथ में कोई नहीं, मैं वो वाक्य भूल चुका था, मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था, मैंने देखा एक बूढ़ी खातून आ रही है, सलाम कलाम करने के बाद मैंने उससे पूछा बूढ़ी अम्मा कहां से तशरीफ लाए, कहां जाना है, उन्होंने कहा बेटे मुझे जाना है बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए, कहा साथ कौन है, कहा अल्लाह ताला है और कौन, और कौन यानी मैं अकेली हूं, अभी मेरा जहन नहीं जाता, मैंने कहा आई कहां से, उन्होंने कहा बेटे उस जगह का नाम मकाम हेरा है, जब ये लफ्ज कहा तो फौरन मुझे याद आ गया और मेरी जुबान से निकला सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमाना आएगा वो औरत आएगी अकेली, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई लूट करने वाला रास्ते में नहीं होगा, सवाल वो डकैत कहां गए, ये असल मसला था, वो डाकू कहां गए थे। दोस्तों वो जितने डाकू थे उससे पहले तो डाका डालते थे, काफले वालों को तंग करते थे, उसके बाद अजीबोगरीब तब्दीली आ गई, वही डाकू वो अपने बस्ती के बाहर दूर जाते थे जहां से काफले आते जाते थे तो रोटियां बना बनाकर खाना पका पका कर अपने साथ ले जाते थे और काफले वालों से कहते थे कि अगर मौका हो तो हमारे यहाँ तशरीफ लाओ कुछ खाकर चलो आगे, अगर मौका नहीं है तो ये रोटियां कबूल करो रास्ते में कहीं खा लेना। तो काफले वाले उनसे पूछते थे आप कहाँ के हैं, वो कहते हैं हम इस बस्ती के रहने वाले हैं, अरे इस बस्ती के रहने वाले हाँ, तो वो डाकू कहाँ गए, वो डकैत कहाँ गए, वो लुटेरे कहाँ गए जिन्होंने जीना हराम कर रखा था, मेरे बाप को भी लूटा मेरे दादे को भी लूटा, वो गए कहां। तो ये जवान अपना सर झुकाते थे और उनकी आंखों से आंसू आते थे, वो कहते थे कि वो डाकू तो हम ही हैं, वो डाकू तो वो डकैत तो हम ही हैं, वो लुटेरे तो हम ही हैं, वो लुटेरे आप हैं, आप वो डकैत हैं,
आप तो लूट कर रहे थे, आज तो आप खिला रहे अपने घरों से रोटियां लाला कर। ये तब्दीली तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? किसने तुमको बदला? तुम्हारे जहन किसने बदला? तुम्हारे अखलाक इतने ऊंचे कैसे हो गए? क्या आप सखी बन गए और आप खिला रहे लोगों को और माफिया भी मांग रहे हैं साथ साथ? वो कहते थे कि हाँ हम वही डकैत हैं, उन्हीं डकैत की औलाद है, लेकिन अल्लाह ने हम पर करम फरमाया, रहम फरमाया, अल्लाह ने हमारी जिंदगियां बदल दी। का क्या वजह है, क्या सबब बना? का उसका सबब बना मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने हमारी जिंदगियां बदल दी। उन्होंने हमको बता दिया कि मखलूक को क्यों सताते हो, यह मखलूक तो अल्लाह का ख्याल है। उन्होंने फरमाया अल खल्क अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह तबारक तआला का ख्याल है। फअहब्बुल खल्क इलल्लाह मनासिर इला इयालिही, अल्लाह तआला का महबूब है वो शख्स जो अल्लाह के आयाल के साथ अच्छा सलूक करे। सिर्फ इंसान नहीं फरमाया मखलूक, आपने खुद फरमाया एक औरत ने एक कुत्ते को पानी पिलाया, प्यासा कुत्ता, आपने फरमाया मैंने उस औरत को देखा वो जन्नत में थी, वो औरत अल्लाह तबारक तआला ने इस अमल के बरकत उसको बख्श दिया। मैंने दूसरी औरत को देखा जिसने बिल्ली बांध के रखी थी, उसको कुछ नहीं दिया खाने के लिए, तो वो बिल्ली भूखी तड़प तड़प के मर गई, और आई तो हाफिर नार, मैंने उस औरत को दौजख में जलते हुए देखा। इस पर पकड़ हो गई, तुमने बिल्ली को क्यों मारा और उसको बंद करके क्यों रखा, क्यों नहीं छोड़ दिया उसको, अल्लाह ताला उसको खिलाते तुमने बंद करके क्यों रखा? इसलिए फरमाया कि अल्लाह के नबी हमको ये तालीमात दी हैं, इस वजह से हमारे तक सखावत आ गई, हमने तौबा कर ली पिछली जिंदगी से, अब हम रो रहे हैं और माफिया मांग रहे लोगों से किसी तरह से हमारा गुनाह माफ हो जाए। ये क्या चीज है? जिंदगी बदलती है जब आखिरत का यकीन दिल में आए। अगर आखिरत का यकीन कम है या है नहीं, अल्लाह ताला बचाए, जिंदगी नहीं बदल सकती। जब मौका मिलेगा आदमी चोरी भी करेगा, जब मौका मिलेगा आदमी जुर्म भी करेगा, जब मौका मिलेगा आदमी को तो बेहयाई के सारे काम करेगा, मुमकिन है लोगों की निगाहों से बचाकर वो ये काम कर ले। क्यों? दिल के अंदर अभी अल्लाह का खौफ नहीं आया। हजरत शेख ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे वालिद साहब ने मेरी निगरानी की है 15 साल तक मुजरिम कैदी की तरह, जिस तरह से जेल में कोई कैदी होता है बड़ी निगरानी में होता है, इस तरह से मेरे वालिद साहब ने मेरी निगरानी की 15 वर्ष तक, बात बात पर दम तेरे, कहां गए थे, क्यों गए थे, कहां चले, हमेशा अपने वालिद साहब के साथ रहे या अपने चचा जान हजरत मौलाना इलियास साहब नवरो मकदूर के साथ, वही पढ़ाते भी थे, या वालिद साहब पढ़ाते थे या चचा जान पढ़ाते थे, इतनी निगरानी। 15 वर्ष का मैं हो गया, बालिग हो गया, हाफिज़ कुरान भी हो गया और आलिम दीन भी हो गया, अभी कुछ बाकी नहीं थे कुछ जमाते। एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया और ये फरमाया फरमा ज़करिया, मैंने कहा जी अबू जी, कहा जाओ आज से तुम आजाद हो, आज से तुम कोई निगरानी नहीं, बिल्कुल एक बिल्कुल आजाद है, जो मर्जी वो कर लो, जान जान जाना जी चाहे जब जाओ। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अबू जी क्यों आप मुझे ऐसा फरमाते हैं कि जाओ तुम आजाद हो? हजरत ने फरमाया इस वजह से कह रहा हूं आपके दिल में अल्लाह का खौफ आ चुका है, और ये भी फरमाया आप बालिग हो गए, ये भी फरमाया। आजकल की दुनिया तो कहती है कि भाई ये जो टीन एज है, टीन से मुराद है वही 13 से लेकर आगे 19 तक, इसको टीन एज कहते हैं, इसी में तो आदमी बिगड़ता है। 13 साल की उम्र है, 14 साल की उम्र है, 15 साल की, 18 साल की उम्र में पता क्या क्या करता है आदमी। वालिदैन रो रहे हैं, उनके वालिद साहब कह रहे हैं कि जाओ तुम आज से आजाद हो, ये भी तो टीन एज थी ना, 15 हो गए थे, 15 साल के हो गए थे, जाओ आजाद हो। क्यों? इसलिए कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ आ चुका है, अब मेरी निगरानी कोई जरूरत नहीं है। मालूम है कि जब अल्लाह का खौफ दिल में आता है फिर कोई निगरानी करे या ना करे अल्लाह का खौफ खुद निगरानी करेगा, वो तो खुद निगरानी करेगा उसको, वो तनहाइयों में उसकी निगरानी करेगा, वो जरूरत तो खमत में उसकी निगरानी करेगा। ये है अल्लाह का खौफ कैसे आएगा, या तो खौफ वालों के साथ उठे बैठे, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है, दिल दिल का असर बहुत जल्द कबूल कर लेता है। आप रोते हुए आदमी को देखें, अगर रोने की वजह भी मालूम न हो खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। आप किसी हंसने वाले को देख लीजिए, अगर जो आपको सबब मालूम नहीं हंसता क्यों है, फितरी तौर पर आपके जो है चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आएगी, आपके होंठों पर मुस्कुराहट आएगी, अभी वजह मालूम नहीं है, वजह क्या है? असल में दिल जो दिल को देख कर फौरन मुतासिर हो जाता है। तो गमजदा का जब दिल हो
वो गमगीन होगा तो फौरन आपका दिल उसके गम का असर अपने अंदर ले लेता है, तो फौरन उसको कैच कर लेता है, तो बस दिल गमजदा हो गया, उसका असर आंखों में जाहिर हुआ। अगर उसका दिल खुश है और किसी वजह से देखते ही आपके दिल ने उसके दिल की खुशी को उसके अपनी तरफ मुंतकिल कर दिए, असरात होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जानवरों के भी असरात होते हैं। आपने बताया जो आदमी ऊंट पालता है, ऊंट फरमाते हैं कि उसका दिल सख्त हो जाता है, क्या उसका दिल सख्त हो जाता है, इल्ला कि वो अल्लाह का नेक बंदा हो। ऐसे आपने फरमाया जो घोड़ों की सवारी करने वाले थे ना, जो घोड़े बहुत सारे घोड़े उसके घर में हैं, एक तो काम का इसके लिए एक आध घोड़ा है, तो घोड़े वाले को क्या ठीक आएगा। वरना आपने फरमाया कि जो घोड़े वाले होते हैं खुयला, खुयला के माने आते हर वक्त जो घोड़े में वो सवार होता है वो समझता है नहीं कुछ, तो फरमाते खुयला तकबुर उसके दिल में आ जाता है। ये कोई जरूरी नहीं जिसके पास घोड़ा तो तकबुर आएगा, अगर वो अल्लाह अल्लाह करने वाला है तो तकबुर तो मिट गया होगा। असल बताना है कि इन जानवरों के भी असरात पड़ जाते हैं, और भेड़ बकरियां पालने वाला उसके दिल में आजिजी आती है, क्यों, इसलिए कि भेड़ बकरियां खुद ही एक कमजोर जानवर है, घोड़े को देखकर भेड़ एक तरफ को बैठेगा भाग जाएगा, बड़ा असरात है। देखो जानवरों के असरात है तो इंसानों के असरात होंगे नहीं, इंसान के सोबत के असरात है, इंसान की निगाहों के असरात है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको ये लंबा मौजू है कि निगाहों में कैसे असरात होते हैं। इसीलिए आपने फरमाया नजर बंद का लगना हक है, हमें अगर ऊंट के ऊपर नजर लग जाए सुबह को शाम तक वो देगों में और बर्तन में पहुंच जाएगा उसका गोश्त, यानी हुरूब आफ्ताब से पहले पहले किसी जरूरत से उसको काटा जाए और जमा किया जाएगा। क्या आपने फरमाया कि नजर का लगना हक है, निगाहें लगती है, तो जब बुरी नजर लग जाए तो अच्छी नजर भी तो लग सकती है ना, तो बहरहाल ये आखिरत का तसव्वुर इतना होगा। उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो जहन्नम के हालात बताए, बर्ज़ख के हालात बताए, कब्र के हालात बताए, और दो मुरातबे आपने बताए। ये आखिरी बात है, इसको अगला गौर से सुन ले, कितने मुरातबे बताए, दो। वहां लफ्ज़ मुरातबा नहीं आया रिवायत में, लेकिन आपने फरमाया ऐसा कर लो, एक तो आपने फरमाया मूतू कबलन तमूतू, लोगों मरने से पहले मरो, मरने से पहले सारे, मरने से पहले आदमी कैसे मरेगा, खुदकुशी करना तो आराम है, यहाँ खुदकुशी मराद नहीं है, यहाँ मुराद ये है मरने के बाद जो हालात आदमी के ऊपर तारी होते हैं कब्र में और बर्ज़ख में, वो हालात आदमी दुनिया में जीते जीते ही जिंदगी में अपने ऊपर तारी कर ली, अपने ऊपर ये तसव्वुर करे आज मैं हूं गोया मैं नहीं हूं। और ये मजमून और एक हदीस में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे कंधे पर रखा ऐसे, और फिर मेरे कंधे को थोड़ा सा हिलाया, फिर फरमाया इब्न उमर, ए हजरत उमर फारूक के साहबजादे रज़ियल्लाहु अन्हु, कौन फिर दुनिया के आने का गरीब, देखो दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे अजनबी मुसाफिर, और आदमी सबीर या रह गुजर, रास्ते में जा रहा है चल रहा है, खुद अपने बारे में आपने फरमाया मुझे दुनिया से क्या वास्ता है, मेरी मिसाल उस मुसाफिर की है जो किसी दूर दराज इलाके से आया और आगे दूर दराज किसी दूसरे इलाके में जाना है, रास्ते में एक सायदा दरख्त मिला, उसके नीचे थोड़ी देर के लिए बैठा कि जरा सा जो तो आराम कर लें, हल्का फुल्का सा आराम कर लें, तो उसके बाद आगे चल दी, गोया कि मैं आया हूँ किसी और आलम से, जाना है मुझे वापस, और थोड़ी देर के लिए मैं आया इस दुनिया में, जिस तरह से मुसाफिर थोड़ी देर के लिए दरख्त के नीचे हल्का फुल्का सा आराम कर लेता है, गर्मी का मौसम है थोड़ी सी ठंडी हासिल कर ले, ये फरमा आपने अवाबी शरीर तीसरा टुकड़ा फरमा वउद्दा नफ्सक मिन असाबिल कुबूर, ऐ इब्ने उमर जब तुम्हें शुमार करना हो, लोग करते हैं मुर्दों शुमारी, कितने लोग जिंदे कितने इंतकाल हुआ, हजरत ने फरमाया आप अपना शुमार मुर्दों में कर लेना, जिनमें जिंदों में नहीं, क्यों, इसलिए कि आप आज हैं और चंद दिन होंगे आप होंगे ही नहीं, इसलिए जहां हमेशा के लिए जाना है अपने आप को उन्हीं में शुमार कर लेना। आपने देखा होगा हाजी तो एक जगह होते हैं, मुझसे पूछे थे आप कहां गए, तो जो कश्मीर का होगा मैं कश्मीरी हूं, जो जापान का होगा मैं जापानी हूं, हालांकि उस वक्त सबके सब कहां होते हैं, मक्के शरीफ में या मदीना तैयबा में,
उनसे आप कहां रहने वाले, कोई ये नहीं कह रहा था मैं तो यही का रहने वाला हूँ। उसको मालूम है कि 40 दिन या 20 दिन यहाँ रहना है, उसके बाद सिर्फ अपने वतन जाना है। तो अगर ईमान वाले से पूछा जाएगा तुम कहाँ के हो, फौरन कह देगा मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का। आगे जाकर दो ही घर है, ये अल्लाह के नबी से फरमाया और कुरान पाक में भी है। आगे जाकर टोटल दो घर है, तीसरा कोई नहीं, या तो दोजख या तो जन्नत, या तो दोजख या तो। अब आदमी फैसला करे कहाँ के हो तुम। जाहिर सी बात है हम तो औलाद आदम है, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने पहले दुनिया में नहीं भेजा, इसको समझना है। नहीं भेजा दुनिया में, डायरेक्ट उनको यहाँ भेज देते, पहले उनको जन्नत में भेजा। हाँ, और यह फरमाया कि यह तुम्हारा असली घर है, यह तुम्हारा अनबत आजी तो हम आपको भेज रहे हैं दुनिया में, वहां कुछ आपकी जिम्मेदारियां लगा देंगे, आपके सर कुछ फराइज वगैरह वो पूरा करके वापस आ जाना। ये मजमून कुरान पाक में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ। वो वक्त याद कर लो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके परवरदिगार ने आजमाया, इम्तिहान किए उसके, फातमहुन्ना, वो इम्तिहान में मुकम्मल पास हो गए। वो इम्तिहान मुकम्मल, ये कुरान पाक क्या क्या इम्तिहान है उसको रहने दीजिए फिलहाल। जब पास हो गए तो पास वाले को तो इनाम भी मिलना चाहिए ना। अब अल्लाह तबारक ने कोई सोने का पहाड़ इनाम में नहीं दिया, क्या फरमाया, ए मेरे महबूब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं आपको लोगों का इमाम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, पेशवा बनाऊंगा लोगों का आपका, यानी आपको लोगों का पेशवा बनाऊंगा, इमामत दे दूंगा। उन्होंने फौरन किया आलम में जुर्रियत, ए अल्लाह मेरी जुर्रियत को भी इमाम बना लेना, पेशवा, दीन के पेशवा। आपने फरमाया देखो ये तो सही है, लेकिन तुम्हारे जुरियत में जो जालिम होगा उसको ये इमामत का पेशा नहीं दूंगा। इमामत का पेशा उलमा इकराम लिखते हैं मुफस्सिरीन, इससे मालूम है कि फासिक को इमाम बनाना जायज नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक ने फरमाया मैं जालिमों को इमाम नहीं बना सकता। अब इमामत के तो बहुत सारे दर्जे हैं, वहां मकसूद सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं, उसको भी इमाम कहते हैं, वहां मुराद पेशवा और रहबर, इंसानों का रहबर पेशवा। आपने फरमाया रसूलुल्लाह सुन्ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मेरे भैया हैं, क्या है, नबियों के बाप है। और फरमाया अपने बारे में मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हूं, किस पर हूं। और कुरान पाक भी फरमाया अनित तबी मिल्लत इब्राहिम हनीफा, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। सुबह सुबह हम लोग पढ़ते हैं क्या, अस्बहना अला फितरतिल इस्लाम व कलिमत इखलास وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين। हम सुबह सुबह इसका इजहार करते हैं क्या, फरमाते हैं अस्बाना अल फितरत इस्लाम, हमने इस्लाम जो है फितरत पर हमने सुबह की, वो कलिमत इखलास और कलिमे इखलास पर, कलिमे तौहीद पर हमने सुबह की, वो अल दीन नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हमने सुबह की, वाला मिल्लत अबीना इब्राहिम और अपने वालिद गिरामी इब्राहिम ने सब मिल्लत पर हमने सुबह की, हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो जो हनीफ थे यकदू थे और मुस्लिम थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, मुशरिकी में से नहीं थे। ये इम्तिहान था, तो आदम अलैहिस्सलाम को भेजा दुनिया में कि बस इम्तिहान देकर फौरन वापस आ जाओ। क्या तलबा इम्तिहान हाल में वही रह गए या वापस आते अपने घर, आते हैं ना अपने घर, मैं डिग्री कंप्लीट होगी फिर अपने घर आ जाओ। तो आदम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए फिर अल्लाह को मैं आ जाओ अपने घर और अपनी जुर्रियत को बता दो इम्तिहान देकर आ जाओ, मैं जन्नत में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं जन्नत में तुम्हारा। लेकिन साथ में ये भी फरमा जो फेल हो जाएगा वो मेरे पास नहीं आएगा, जो फेल हो जाएगा वो मेरे पास, उसको तो जेल जाना पड़ेगा दोजख में, और जो पास होकर आ जाएगा वो मेरे पास आएगा जन्नत में, तो हमारा असली घर जन्नत है, क्या है, आखिरत है। ये आपने फरमाया अपने आप को असहाबे कुबूर में शुमार कर लो। तो आपने दो मुराद में बताए, एक रिवायत में आपने ये फरमाया जिसने मौत को याद किया 25 मतलब दिन में, जब मरेगा तो शहीद मरेगा, जब मरेगा तो आखिरी बात है, इसको जहन में रखेंगे बल्कि दिल में उतारेंगे और यहां से जाने के बाद ये अमल इंशाल्लाह करेंगे सोते वक्त। क्या मुराद में मौत,
हमारे मशाइख मुराद में मौत कराते थे, वो इसी रिवायत से साबित है, मौतु कबलन तो मौतु, कि अपने आप के ऊपर मौत की कैफियत तारी कर लो। कैसे? तमाम काम हो गए, सोने का वक्त है, आप बिस्तर में आ गए, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, चार कुल पढ़ लें, तस्बीह फातिमा पढ़ लें और कुछ दुआएं पढ़ लें, जो सुन्नतें हैं दोनों हाथों पर फूक डाल के अपने पूरे बदन पर हाथ फेर लीजिए, ये सुन्नत तरीका है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए, चार मिनट पांच मिनट के लिए मुराकबा कर लीजिए। किस चीज का मुराकबा? कि जिस तरह से हम लोगों को गुस्ल देते हैं, कफनाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, दफन करते हैं, कब्रिस्तान ले जाते हैं, यही कैफियत अपने ऊपर तारी कर लो कि मैं मर गया, मैं अब मेरा जिस्म जो है तख्ते पर है, गुस्ल के तख्ते पर है, अब लोग मुझको गुस्ल दे रहे हैं, इसको मैं मुख्तसर करता हूं नमाज का वक्त करीब होने की वजह से, क्या आप लोग मुझे गुस्ल दे रहे हैं, गुस्ल कंप्लीट हो गया, कफन पहनाया गया, अब ताबूत में रखा गया, कंधा लगा के जनाजागाह में पहुंचाया गया, सभे बनी हुई बन गई, जनाजा हो गया, ले जा रहे हैं कब्रिस्तान, पहुंचाया कब्रिस्तान पर, बच्चा कब्र तैयार है, लाओ मैयत को, मैयत को हाथों में ले लिया, नीचे झुके बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किबले की तरफ रुक करके मैयत को रख लिया, पीछे से दो सहारा के लिए जो भी चीज रखनी पड़े वो रख लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता कब्र को बंद कर लिया, कब्र को बराबर कर लिया। यहां तक तो सबको मालूम है, उसके आगे क्या होगा वो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब नकीर मुनकर आएंगे आपके पास, सवालात करेंगे आपसे। दोस्तों अगर पर्चा पहले आउट हो गया हो तो ये तुम्हारे इम्तिहान में सवालात है, तो सारे लोग के पास होने चाहिए ना, जब पर्चा आउट हो गया सब लोगों के पास खुद ही पहुंच गया, ये पांच सवाल है तुम्हें इनको हल कर लो, तो जो फिर भी नाकाम हो जाएगा उससे ज्यादा नाबका तो कोई है ही नहीं। यार तुम्हें पहले मालूम था फिर भी आप फेल हो गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे सवाल होंगे, फरमाया देखो तीन सवाल होंगे, क्या 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 सवाल? देखो एक सवाल परवरदिगार के बारे में होगा, जिसके बारे में रब के बारे में, रब्बू का एक सवाल होगा, दूसरा सवाल दीन के बारे में होगा, जिसके बारे में मां दीन, तुम्हारा दीन क्या है, ये सवाल होगा। तीसरा फरमाया अल्लाह के नबी सब के बारे में, तीसरा सवाल होगा अल्लाह के नबी सब के बाद तीसरा सवाल होगा। तो बताइए ये तीन सवाल बताए गए तो तीन के जवाब देने हैं, तुम्हारा रब कौन है? अगर कोई कहेगा जनाब मैं तो जबान पर रख के रखूंगा रबी अल्लाह दीन इस्लाम वादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रटी हुई इबारत वहां काम नहीं आएगी जब तक उसने परवरदिगार को पहचाना ना हो और अल्लाह तबारक का हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो, तब ये जवाब निकलेगा उसके मुंह से, क्योंकि वो तो फरिश्तों के सवाल जवाब आते। दूसरा सवाल दीन के बारे में, अगर दीन पर चला ही नहीं हा हा के कोई जुबान से नहीं निकलेगा, अगर दीन के साथ लग गया है, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी, फौरन कहेगा दीन या इस्लाम, मेरा दीन तो इस्लाम है। तीसरा सवाल पूछेंगे रसूलुल्लाह के बारे में, फौरन कह देगा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह नबीयुना, ये तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप मुझे इनके बारे में पूछ रहे हैं, क्या मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ पहचानता हूँ, मेरे जिंदगी गुजारी इनके तरीके के मुताबिक, मैंने रोया है इनकी मोहब्बत में कि कब मुझे इनकी ज्यारत हो जाए, मैं इनको न पहचानू। अगर तीन सवाल के जवाब निकले फरिश्ते कहते नाम करना मत रूस, चल सो जा जैसे दुल्हन सोती है, कोई खौफ खतरा नहीं है, ये फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सो जाएगा इसी तस्वुर में कि फरिश्तों को जवाब देने हैं, खुद अंदाजा लगाएगा मैं जवाब देने के काबिल हूं या नहीं। सुबह जब उठेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना शुक्र है अल्लाह का मुझे दोबारा जिंदगी मिली, एक मुराकबा तो ये। दूसरा मुराकबा आपने फरमाया मेरे उम्मतियों दो चीजों को भूलना नहीं हजरत, किस किस चीज को? तो एक तो मौत को नहीं भूलना, दूसरा पुराने होने को न भूलना, किसको? ये आखिरी बात, पुराने होने को न भूलना। पुराने किसे कहते हैं? दुनिया में हर नई चीज पुरानी होती है, एक दिन नई गाड़ी भी कभी पुरानी हो जाएगी, नए कपड़े भी कभी फेंकने पड़ते हैं, नई गाड़ी लाई इतने लाख की, चंद साल चलती रही चलती रही, आप जब बेकार हो गई तो कमरा वाला आता है वो ले जाता है, वो कहते 10 रुपए किलो दे दूंगे, क्या
तोड़ के ले जाएगा। तो यह है, हर चीज पुरानी होती है तो इंसान भी पुराना हो जाता है। सर के बाल उड़ गए सारे, अब तो बिल्कुल सर खाली है, एक बात भी नजर नहीं आता। आंखों की रोशनी में भी बहुत कमी आ गई, सुनवाई में भी कमी आ गई, दांत काम के न रहे, आंखें काम की न रही, बुढ़ापा आ गया, दर्द के ऊपर चढ़ता था बहुत ऊंचाई पर और क्या क्या काम करता था, अखरोट उतारता था, आपको हिम्मत भी नहीं है, हाथ में लाठी है और कमर झुकाए झुकाए चलता है, सीढ़ी पर चढ़ने की ताकत नहीं है, किसी से कहता है कि बेटे मेरा हाथ तो थाम लो, मैं जरा दो चार सीढ़ियां चढ़ जाऊं, और मुश्किल होता है कहीं तो आके बैठ जाता है, यूं देखता रहता है, हिम्मत नहीं, बुढ़ापा आ गया, पुराना हो गया, क्या चलो फिर भी तो कुछ न कुछ तो है, निगाहों के सामने कम से कम आगे तो है, कम से कम चेहरा तो है, चलो पूर्वोश न सही हड्डियां ही सही, और उसके बाद अब जब दफन कर लेंगे उसको, फिर कवर खोल के देख लेना दो महीने के बाद क्या हाल है, पेट फट जाएगा, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, चूहे आएंगे और नेवले आएंगे, अंदर वाला सारा निजाम खा लेंगे, वो इसके जितने भी अंदर से जो ऑर्गन्स हैं सब खा लेंगे, सफा चट कुछ भी अंदर नहीं रखा, किडनियां भी खा ली उसने, और ये जो है जिगर भी खा लिया और मैदा भी खा लिया और हार्ट भी खा लिया और सब, इधर से और जानवर आए, एक ने एक आंख निकाली, दूसरे ने दूसरे आंख निकाली, किसी ने कान खा लिए, किसी ने नाक खा ली, किसी ने ये, बहुत जबरदस्त एतिमाद था अपनी बॉडी के ऊपर, बहुत मजबूत हूँ, मैंने जिम किया 10 साल, ये भी कीड़े खाएंगे, अरे मैं कराटे वाला हूँ, कराटे वाला क्या चलेगा वहां, सब सड़ गया। इसके दूसरा मुराद हुआ क्या है कि शाम को सोते वक्त एक स्केलेटन हड्डियों का ढांचा तस्वीर में लाओ, लेकिन अपना, किसका और उनका नहीं, तो यूं तस्वीर कर ले, ये मेरे सामने हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा, इसमें आंखें हैं नहीं, इसमें नाक है नहीं, इसमें कान है नहीं, पहचानो कौन है, जब पहचान नहीं सकता, दिमाग है नहीं, वो तो कीड़ों ने खा लिया है, कुछ भी नहीं रहा, ये अक्सर वो इस तरह शिकस्तु से चूर था, शायद कहता मैं चल रहा था तो मेरा पाँव जो एक खोपड़ी के ऊपर आ गया, तो एक जो आ गया उस पर तो वो चूर चूर हो गया, उससे आवाज आने लगी, देख के चल रहा है बेखबर, आवाज आने लगी बेखबर, रास्ता चल के तो देखो, असल तो कभी किसी है कि शायद ने कबू कसु कहा, मैं भी कबू कसु का पूर्व से गुरूर था या सरपुर गुरूर था, मेरे दिमाग में भी गुरूर था एक जमाने में, आज ये हाल देख रहे हैं। इसलिए दूसरा मुराद बताना है, स्केलेटन सामने लाना है, एक दिन आएगा ऐसा ही होगा, न रंग रूप रहेगा, न आंखें रहेंगी, न बदन रहेगा, सब सड़ के खत्म हो गया, हो जाएगा नहीं रहेगा, ऐसा ही होगा, ये आवाम का हाल है, हवास अपनी कब्र में मौजूद है, वो एक मुस्तकिल मौजूद है, उसमें छोड़ देता हूं। ये दो मुराबे करते हैं, मुराबे मौत इसको कहते हैं, एक मरने का मुराबा, एक सड़ने का मुराबा, किसका जी, जब सड़ने का मुराबा होगा, आपने फरमाया दुनिया, जिस शख्स के सामने आखिरत हो, कब्र हो, मैशर हो, दुनिया के टिप टाप और फैशन उसके जिंदगी से निकल जाएंगे, देख लेना जो फैशन करता होगा जितना ज्यादा उतना वो आदत से बेखबर, जिसके ऊपर जितनी आदत की फिक्र होगी उसकी जिंदगी उतनी सादगी होगी, नहाना मना नहीं है, आपने फरमाया नहारो, नाखून उठालो, कपड़े साफ पहनो, साथ में ये भी फरमाया कि रोजाना नहाना मना है, रोजाना सर धोना मना है साबुन वगैरह से, तो ये तो बदन का पुजारी हो गया, जैसे पुजारी बुद्ध के सामने पूजा पाठ करता है, ऐसे ये आदमी अपने बदन को सजाने में लग गया है और रूह इसकी खराब हो चुकी है, अखलाक इसके बर्बाद हो चुके हैं। पर मैंने आयत भी पढ़ी थी, इंशाल्लाह और किसी मौके पर उसकी तशरीह की जाएगी, या अय्युहल लदीना आमनु तक्कुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से, वलतंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, हर शख्स मुराबा करे, गौर करे कि मैंने कल के लिए क्या भेजा है, वत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, एक ही आयत में दो मरतबा अल्लाह ताला फरमाने डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ तुम करते हो मुझे सब खबर है, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। आगे फरमाए वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह, लोगों उन लोगों की तरह न हो जाना है ईमान वालों जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फिर क्या हुआ, अल्लाह को भुला दिया, फंसाहुम अनफुसहुम, उन्होंने अपने वजूद को अंजाम को भुला दिया, उलाएकुम फासिकून, ये तो फासिक और नाफरमान है, अल्लाह तबारक ताला नाफरमानी से हम सबको बचाए, हमको अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल फरमाए, अल्लाह
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم عاشنا عاقبتنا في امور كلها واجرنا من ضيق الدنيا وعذاب الاخره يا الله مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے ایمان کامل عطا فرما یقین کامل عطا فرما اونچے اخلاق ہمیں نصیب فرما علم و عمل ہمیں نصیب فرما جو زندگی ضائع ہو گئی ہو گئی یا اللہ جو باقی ہے یا اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے سخاوت ہمیں نصیب فرما عاجزی انکساری نصیب فرما مومنانہ صفات عطا فرما ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما اہل سنی کو قبول فرما کہنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے غلطی اس کو معاف فرما یا اللہ